गुड इवनिंग। देखो अपन ना चल रहा था प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में अपन ने जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके बेसिक करेक्टर देखे थे। आज अपन देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म। आज क्या देखेंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होंगे? अभी यहाँ बहुत अच्छी चीज समझने वाली चीजें हैं। देखो एक वर्ड होगा मेगा स्पोरेंजियम, दूसरा वर्ड होगा माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। मेगा का मतलब क्या होगा? वो वाला स्पेस जहां कौन बनेगा, आपका फीमेल गैमेट बनेगा, फीमेल पार्ट। और मैग, चलो इसको देखते हैं अपन। तो जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें मेगा स्पोरेंजियम, दूसरा वर्ड होगा मेगा स्पोरोफिल्स, दूसरा वर्ड क्या होगा? मेगा स्पोरोफिल्स, मेगा स्पोरोफिल मतलब वो वाली लीफ या वो वाला प्लांट का पार्ट जो क्या बनाएगा, मेगा स्पोर बनाएगा। और मेगा स्पोर किसको बोलते हैं? फीमेल पार्ट को बोलते हैं, क्योंकि जो ओव्यूल वाला पार्ट होगा उसका साइज क्या होता है, आपका बड़ा होगा। ओवम वैसे भी स्पर्म के कंपैरिजन में क्या होता है, आपका लार्ज होता है। तो मेगा स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरोफिल कौन सा पार्ट है आपका? फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है। ये क्या बनाएगा आपका? फीमेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा आपका? फीमेल पार्ट या फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स, ठीक है। फिर आता है माइक्रो स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरोफिल। ये कौन सा पार्ट बनाएगा? मेल पार्ट बनाएगा। और मेल पार्ट क्या होता है आपका? एंथर, और बोले तो पोलर ग्रेन्स। तो यहाँ पे इन वर्ड का ध्यान रहेगा, सॉरी इन वर्ड का ध्यान रखना। माइक्रो का मतलब क्या होगा, मेगा का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो अपन जो आपके जिम्नोस्पर्म थे उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो मेगा स्पोरेंजियम का मतलब वो वाला पार्ट प्लांट का जहाँ फीमेल पोर्शन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। मेगा स्पोरोफिल्स भी बोल सकते हैं। माइक्रो का मतलब जहां मेल पार्ट का डेवलपमेंट होगा। मेल पार्ट को क्या बोल देंगे, एंथर बोल दो या पोलन ग्रेन्स बोल दो? पोलन ग्रेन्स बोल दो। तो ये हो गया मेल पार्ट। अब जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसकी हेल्प से होगा? फ्यूजन ऑफ मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर या फ्यूजन ऑफ ओव्यूल्स एंड पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल्स है और जो माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर है, एक ही प्लांट में लग सकते हैं या एक ही प्लांट में फॉर्मेशन हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट में भी हो सकते हैं, ठीक है। कई ऐसे प्लांट है जिनमें दोनों पार्ट एक ही पार्ट में लगेंगे, उसको बोलेंगे अपन बाइसेक्सुअल प्लांट। और कईयों पे दोनों पे लगते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन, जो साइकस है जो जिम्नोस्पर्म का एक टाइप है, उसका ओव्यूल पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़े साइज का होता है। साइकस का जो ओव्यूल है प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा बड़े साइज का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके जिम्नोस्पर्म है उनका यूज होता है आपके, मैंने पहले ही बताया जिम्नोस्पर्म का यूज होता है आपके फूड के अंदर हो जाएगा, डेकोरेटिव आइटम में हो जाएगा। जैसे पाइनस है आपका जिसको चीड़ बोलते हो आप, उससे ऑयल प्रोड्यूस होता है। चिलगोजा निकलता है जो एक टाइप का ड्राई फ्रूट है, ये इसका यूज है। इसके अलावा अगर अपन कॉमन बात करें तो ब्रायोफाइट्स और एल्गी, इनका मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉयड। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है आपकी? डिप्लॉयड, जिसको अपन यूज करेंगे स्पोरोफिटिक। डिप्लॉयड के लिए यूज करेंगे स्पोरोफिटिक और हैप्लॉयड के यूज करेंगे गैमेटोफिटिक, ठीक है। अगला जो जिम्नोस्पर्म है तो उनमें देखो क्या होगा, जैसे ये आपकी
आपकी आर की गोलियां हैं, ठीक है, ये आपकी आर की गोलियां हैं, ये आपकी आर की गोलियां हैं, इस पे आके पोलन ग्रेन्स गिर जाएंगे। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें पोलिनेशन होता है आपके एयर के थ्रू, जो एयर होगी वो पोलन ग्रेन्स को आपके ट्रांसफर करने में हेल्प करेगी। अब जो पोलन ग्रेन्स है उससे किसका फॉर्मेशन होगा आपके, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा आपका, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और पोलन ट्यूब किसको कैरी करती है आपके, मेल गैमेट को। पोलन ट्यूब किसको करेगी, मेल गैमेट को। और यहाँ पे क्या होंगे आपके, ओव्यूल्स होंगे, तो ओव्यूल्स और जो मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सॉरी फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट या फ्यूजन ऑफ ओव्यूल्स एंड पोलन ग्रेन्स, इट इज नोन एज पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो पोलन ट्यूब है वो किसको कैरी करेगी, आपके मेल गैमेट को कैरी करेगी। तो ये थे आपके जिम्नोस्पर्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और आपकी ज्यादातर जो बुक है 11th की हो जाए 12th हो, वो सारा किस पर डिपेंड है, एंजियोस्पर्म प्लांट। किस पर डिपेंड है, एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट पहले ऐसे प्लांट है जिनके फ्लोवर आते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, फ्लोवरिंग प्लांट, फ्लोवरिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं अपन, फ्लोवरिंग प्लांट, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म के कुछ स्पेसिफिक करेक्टर होंगे वो देखेंगे। एंजियोस्पर्म जितने भी आपके चारों ओर दिख रहे हैं ज्यादातर एंजियोस्पर्म है, ठीक है। एंजियोस्पर्म को अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, मोनोकोट और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, डाइकोट। मोनोकोट का मतलब क्या होगा, जिसके सीड में वन कोटिलेडंस हो, ये सीड है वन कोटिलेडंस, वन कोटिलेडंस आर प्रेजेंट। वन कोटिलेडंस आर प्रेजेंट, जैसे आपके राइस है, वीट है, ठीक है, इनके सीड में वन कोटिलेडंस होता है। डाइकोट में क्या होगा, टू कोटिलेडंस आर प्रेजेंट। इसका मतलब यह है कि इनका जो सीड होगा उसके इक्वल इक्वल दो पार्ट इजीली हो जाते हैं, इसके नहीं होते, ऐसे समझ सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में। इसमें सारी पल्सेस जा जाएगी, मैंगो आ जाएगा। अब मैंगो में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंगो कैसे आ जाएगा, मैंगो को आप जब खा लेते हो उसके बाद जो गुठली बचती है उसके अंदर एक सीड होता है, गुठली के अंदर उसके दो बराबर बराबर पार्ट हो जाते हैं, तो ये डाइकोट है। सारी पल्सेज है, ग्राउंड नट है, पी है आपका, सारे कौन है आपके, डाइकोट। तो सबसे ज्यादा लैंड पे कौन है, एंजियोस्पर्म, वेल अडेप्टेड है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म से आपको फूड मिलता है, फूडर यानी चारा मिलता है, फर्नीचर मिलता है, ठीक है, आपको शेल्टर मिलता है, सब कुछ आपको एंजियोस्पर्म से ही मिलता है। पल्सेज है, फ्रूट है, फ्लोवर है, सारे किससे मिलते हैं आपके, एंजियोस्पर्म से। तो अब अपन एंजियोस्पर्म को डिटेल से देखते हैं, अब अपन एंजियोस्पर्म को डिटेल से देख रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म में क्या क्या होगा अपन देखते हैं। जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनमें टू रूट होगा, स्टेम होगा और लीफ होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। रूट क्या होता है, स्टेम क्या होता है, ये अपन मॉर्फोलॉजी में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो एंजियोस्पर्म में एक प्लांट होता है वुल्फिया, वो इतना छोटे साइज का होता है आप उसको हाथ पे रख सकते हो या अंगुली पे रख सकते हो, इतना स्मॉल साइज का होता है। इसके अलावा यूकलिप्टिस एक एंजियोस्पर्म है जो 100 मीटर लॉन्ग होता है, 100 फीट लंबा होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा वेरी करता है, डिफरेंट टाइप की जो बड़ी सुंदर रंगीन दुनिया वो सारे कौन है आपके, एंजियोस्पर्म। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोवर आते हैं, इतने कलर के पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म बड़ी एक क्या कह सकते हैं, कलरफुल जो दुनिया है वो किसकी, आपकी, एंजियोस्पर्म की, ठीक है।
अब अपन देखते हैं एंजियोस्पर्म में कौन कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं अपन। तो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, देखो इसमें कौन सा होगा, एसेक्सुअल होगा, जिसका दूसरा नाम है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं प्लांट के, प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, रूट होता है आपका, स्टेम हो गया और लीफ। ये जो पार्ट है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो अगर रूट से नया प्लांट बन जाए, स्टेम से बन जाए, लीफ से बन जाए, तो इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो रूट के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो आपके जो स्वीट पोटेटो है, स्वीट पोटेटो किससे बनती है, आपकी रूट से बनती है, ठीक है। इडेबल पार्ट भी क्या होता है, रूट है, स्टेम, सुगर केन क्या आपका स्टेम है, पोटेटो क्या आपका स्टेम है, लीफ, ब्रायोफिल्म क्या है आपका लीफ। तो अगर इन तीनों पार्ट से कोई नया प्लांट बन जाए तो इट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही हो गया आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बट एंजियोस्पर्म ओनली एक ऐसा सिंगल प्लांट ग्रुप है जिसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो अदर प्लांट में, जैसे ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारे कैरेक्टर किसके हैं आपके, एंजियोस्पर्म प्लांट के। तो अपन एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये वाला टॉपिक आपके 12th में भी है, 11th में भी है और विथ ऑल कंपटीशन एग्जाम्स में। नीट तो इसको कवर करेगा ही करेगा। जो आपका 11th का टॉपिक है उसमें भी है, इसके अलावा जो 12th है उसमें चैप्टर नंबर आपका जो फर्स्ट है वो कम से कम 5 मार्क्स का है वो, और उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का और एक स्मॉल क्वेश्चन आता है, और वो पूरा चैप्टर किस पर डिपेंड है, एंजियोस्पर्म में, और वो भी कौन सा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लो ताकि आपका 12th का टॉपिक भी तैयार है। तो अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, और वो भी कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।